सांभर में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का विधायक ने किया औचक निरीक्षण। ऑक्सीजन प्लांट में कच्ची ईंटों सहित गुणवत्ता विहीन सामग्री के इस्तेमाल पर जताई नाराजगी। सांभरलेक डब्लू गोस्वामी, संवाददाता जयपुर ग्रामीण। शुक्रवार को क्षेत्रीय विधायक निर्मल कुमावत ने सांभर में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान देखने को मिला कि ऑक्सीजन प्लांट में घटिया सामग्री का प्रयोग हो रहा है। निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट में जो ईंटें लग रही हैं वो बिल्कुल घटिया किस्म की कच्ची ईंटें हैं। ईंटों के नाम पर सिर्फ मिट्टी लगाई जा रही है। निरीक्षण के दौरान विधायक कुमावत ने कहा कि इस प्रकार की घटिया सामग्री से बन रहा ऑक्सीजन प्लांट कितना चलेगा, ये समस्या परे है। इसकी पूरी जाँच होनी चाहिए। इस मौके पर उपखंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राज चौधरी ने तुरंत ठेकेदार से बात कर उच्च गुणवत्ता युक्त ईंटें मंगाने के लिए कहा। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर महेश वर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र डांगरा, पूर्व मंडल अध्यक्ष वर्धमान काला, पार्षद गौतम सिंघानिया सहित भारतीय जनता पार्टी के सदस्य व पदाधिकारी मौजूद रहे। दुर्भाग्य की बात है कि जिस ऑक्सीजन के लिए 2 महीने पहले हम लड़ाई लड़ रहे थे, सारी जनता परेशान थी एक एक सिलेंडर के लिए, उस ऑक्सीजन प्लांट का यहाँ शिलान्यास भी हुआ बड़े धूमधाम से, बड़े बड़े लोग आए, मगर दुर्भाग्य से आज आप सब लोग देखिए कि जिस प्रकार की घटिया निर्माण सामग्री इसमें लग रही है, ये प्रश्न चिन्ह लगाती है इस पर कि भाई ये कैसे चलेगा प्लांट। ये ईंट है जो कोई, मुझे लगता नहीं कि कोई लाल ईंट है या सीमेंट की ईंट है, ये हाथ से टूट रही है, आपने सबने देखा है। मैंने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं इस पर तुरंत इस पर कार्रवाई करें और पूरे मटेरियल को वापस हटा के दोबारा नए सिरे से अच्छा मटेरियल जनता का लगे, ताकि जनता का पैसे का सदुपयोग हो, ना कि ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े। मेरा साफ साफ आरोप है कि इसमें कथित भ्रष्टाचार हो रहा है, ये मेरा साफ आरोप है।